हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, कैसे कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट, छोटे छोटे कैलकुलेशन, जिससे हम फिजिकल केमिस्ट्री जो है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आपको हर एक चैप्टर में कुछ कुछ छोटा छोटा कैलकुलेशन करके रखना है, जिससे अगर आप सॉल्व करोगे तो क्वेश्चंस को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो। उन सारे बातों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपको कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, और कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको उसको एंड रिजल्ट तक जाना है, लास्ट तक सॉल्व करना है, क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसको समझना है, कि क्या उसमें निकालने बोल रहा है, क्या क्या गिवेन दिया हुआ है। और एक छोटे छोटे यूनिट एंड डायमेंशन से भी बहुत सारे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हो, सोच सकते हो और कर सकते हो। तो हम देखते हैं क्या कुछ ट्रिक्स एंड ट्रिप्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो पहला जो चैप्टर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट में एक फार्मूला है, और ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, Na इंटू 1.66 इंटू 10^-24। इसका जो वैल्यू होता है बहुत, इसका जो वैल्यू आता है एक प्यारा सा नंबर आता है एक। तो यहाँ पे 1/1.6 इंटू 10^-24 इसका वैल्यू Na के बराबर होगा। तो ये कैलकुलेशन नहीं है, ये आपको दिमाग में रखना है। जो 1/1.66 इंटू 10^-24 इसका वैल्यू Na के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है, तो Na के बराबर इसका वैल्यू होता है। हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, और इस चैप्टर से हर साल क्वेश्चन रहता है, आपके जेई मेन के एग्जाम में रहेगा, नीट के एग्जाम में रहेगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, क्वांटम नंबर, इस दोनों टॉपिक पे क्वेश्चंस रहते हैं। बोर का जो फॉर्मूला है उस पर बेस्ड क्वेश्चन रहता है। यहाँ पे ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस रहता है। अगर एक जनरल बात करें, अगर कोई भी एनर्जी ऑफ फोटोन आपको निकालना है तो उसका क्या फार्मूला आता है, तो ई इक्वल टू होता है एच न्यू। क्या फार्मूला होता है, ई इक्वल टू एच न्यू। इसको और क्या लिख सकते हैं, ई इक्वल टू एच सी वाई लैम्डा। अब जब इसका वैल्यू हम अगर देखें, तो इसका जो एच सी का वैल्यू हम निकाल करके रख लेते हैं पहले से, ताकि हमको क्या होगा, आसानी होगा, इसको बार बार कैलकुलेट नहीं करना है। बार बार कैलकुलेट करोगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो यही सब छोटा छोटा कंसेप्ट को हम एक कंसेप्ट बना लें, एक फॉर्मूला बना लें। तो यहाँ पे देख सकते हो, जब इसको सॉल्व किए हैं तो 19.8 × 10^-26 आया है। और जो इसको और लिखेंगे बाय लैम्डा है, यहाँ पे देख सकते हो, नेक्स्ट स्लाइड में आप देखो क्या कुछ आ रहा है। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है 2 × 10^-25 बाय लैम्डा, या इसका वैल्यू हम याद कर लेंगे, तो बार बार यहाँ पे एच सी का वैल्यू हम यूज ना करके इसको हम एक फॉर्मूला या एक कॉन्स्टेंट के रूप में यूज कर सकते हैं, जिससे कैलकुलेशन मेरा फास्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एक और, कभी भी आपको किसी भी सेल में, किसी भी जो सेल है उसमें आपको एनर्जी कैलकुलेट करना है, तो उसका एक फॉर्मूला दिया हुआ है। अब यहाँ पे जूल में अलग होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अलग होता है, तो इसका भी एक फॉर्मूला बना लेना है, और जिससे ज़्यादा आपको हेल्प होगा। उसके बाद कोई भी एक यहाँ पे देख सकते हो, नेक्स्ट जो यहाँ पे दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको क्या कैलकुलेट करना है, एनर्जी कैलकुलेट करना है, तो इसका जो वैल्यू होता है कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो 1240 बाई क्या करते हैं, लैम्डा। और यहाँ पे ये नैनोमीटर में आपको रखना है, यहाँ पे इसमें रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेरा एनर्जी आएगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर कभी भी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकालना है, वेवलेंथ दिया हुआ है, तो आसानी से ये वाला फार्मूला यूज करना है। लेकिन वेवलेंथ हमको किस में रखना है, नैनोमीटर में रखना है। तो ये छोटा छोटा कैलकुलेशन कर करके आप याद भी करना होगा, आपको बार बार मेमोराइज करना होगा। इतना बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, जो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये किस पे इस क्वेश्चंस कर लो, ये फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री में भी है। तो अगर हम बात करें, एक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है, वहाँ पे डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू ग्रेटर देन क्या होता है, एच बाई 4π। अब एक बहुत प्यारा सा नंबर है h बाई 4π, जो होता है h बाई 4π का वैल्यू कुछ होता है, ये आता है 0.527। अच्छा, यहाँ पे एक डिरैक करके डिरैक नोटेशन होता है, वहाँ पे इसको h कैट भी बोलते हैं, डिरैक बोलते हैं। ये क्या होता है, h बाई 2π। इसका जो वैल्यू होता है ना,
1.05 × 10⁻³⁴, मतलब एच बाई टू पाई का वैल्यू कितना आपके पास, एच बाई टू पाई का वैल्यू है आपके पास यहाँ पे नियरली हम लिख सकते हैं 10⁻³⁴। तो अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं, अगर ये वैल्यू भी रहे तो हमको डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं करना है, ये छोटा छोटा एक कांस्टेंट बना करके रख लो और इसको यूज करो। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें एटॉमिक स्ट्रक्चर में, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है 1 बाय लैम्डा कैलकुलेट करना या फिर वेवलेंथ कैलकुलेट करना रहता है, और यहाँ पे ट्रांजिशन दिया रहता है। ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे बेस्ड क्वेश्चंस है, फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री में भी है, हर साल इस टॉपिक से क्वेश्चंस रहता है। तो आप इसको भी देख सकते हो कैसे इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये एक फार्मूला दिया हुआ है, जिसमें क्या है फार्मूला, 1 बाय लैम्डा इक्वल टू RH, ये रीडेबल कॉन्स्टेंट होता है, इन बाय 1 बाय N1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स बोल सकते हैं, जिसको यूज करके आप कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हो, लेकिन ये भी ध्यान में रखना है कि क्या दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है। देखो 1 बाय RH का जो वैल्यू होता है ना, ये 1912 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है? 912 एंगस्ट्रॉम। अगर कभी कभी इसी केस में ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है इस पे बेस हर साल क्वेश्चन आता है, एक तो पहला लिखा रहता है लैम्डा मैक्स बना पूछता है, या फिर पास्सन का मैक्सिमम वेवलेंथ, या पास्सन सीरीज का मिनिमम वेवलेंथ, या फिर अल्फा लाइन बीटा लाइन, इस तरह करके पूछता है। तो ये एक चीज़ क्या होता है, जब भी आपको मैक्सिमम वेवलेंथ के बारे में बात करें, मैक्सिमम वेवलेंथ जैसे हम बोल रहे हैं लाइमन सीरीज, तो लाइमन सीरीज का मतलब क्या है, N1 का वैल्यू 1 होगा और N2 कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, इन्फिनिटी भी हो सकता है। अगर हम बोले मैक्सिमम वेवलेंथ, जब भी मैक्सिमम वेवलेंथ बोलें या फिर फर्स्ट लाइन, तो फर्स्ट लाइन या मैक्सिमम वेवलेंथ बोल रहे हैं तो उससे जस्ट ऊपर वाला कोई भी सीरीज हो सकता है, तो उसके जस्ट एवब वाला से ट्रांजिशन होगा तो वो मैक्सिमम वेवलेंथ आएगा। और अगर इन्फिनिटी से कहीं पे आ रहा है फर्स्ट, जैसे लाइमन सीरीज है, तो इन्फिनिटी से वन में आ रहा है तो इसका जो वेवलेंथ होगा वो मिनिमम वेवलेंथ होगा। तो इस पे बेस क्वेश्चन हमेशा रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सब छोटी छोटी बातों से आप फिजिकल केमिस्ट्री को अच्छा कर सकते हो। ये सब कोई कंसेप्ट नहीं है, ये सब जो कंसेप्ट जो है फिजिकल केमिस्ट्री में है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है। ये आप देख लो जेई मेन के कोई भी एग्जाम किसी भी ईयर में देख लो, जैसे इस बार तो हो रहा है ना, 3 साल से हो रहा है, बहुत सारे पेपर है, हर एक दो पेपर में आपको इसका क्वेश्चन मिलेगा। एक स्टेट्स ऑफ मैटर जेई मेन के सिलेबस से हटा दिया गया है। क्या होता है PV = NRT, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन है, यहाँ पे हर चीज़ के बारे में जानना होगा। प्रेशर ATM में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए, वॉल्यूम, तब हम R का वैल्यू 0.0821 यूज करेंगे, या 1 बाई 12 RT का वैल्यू होता है 22.4, और 25 डिग्री सेल्सियस में RT का वैल्यू होता है 24.46। अगर हम बात करें आयनिक गलबे चैप्टर, इसमें बच्चे लोग को बहुत प्रॉब्लम है, बहुत क्वेश्चन छोड़ देख के चले जाते हैं, और है कुछ नहीं, 4-5 कंसेप्ट है लेकिन फिर भी इससे क्वेश्चन छोड़ करके आते हैं। सबसे पहला यहाँ पे pH का कैलकुलेशन, pH कैलकुलेशन से बच्चे भागते हैं। जैसे pH का सबसे पहले आप फॉर्मूला बनाओ, तो pH सिंपली क्या होता है, माइनस log H प्लस का कंसेंट्रेशन, यही होता है माइनस log H प्लस का कंसेंट्रेशन। यहाँ पे आप देख भी सकते हो माइनस log H प्लस का कंसेंट्रेशन। अब H प्लस का क्या कंसेंट्रेशन है, मोल पर लीटर, मोलारिटी वगैरह ही दिया रहेगा, तो मोलारिटी ही इसमें आपको जनरली दिया रहता है। तो इस केस में जो भी कंसंट्रेशन दिया हुआ है ये आपके पास X × 10⁻²⁵ के फॉर्म में दिया रहता है। अगर इस तरह दिया हुआ है कंसंट्रेशन, तो उस केस में आप डायरेक्टली pH कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो H प्लस का कंसंट्रेशन X × 10⁻²⁵, और यहाँ पे pH कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्टली क्या करना, Y − log X। अब ये log टेबल देखना आना चाहिए, और कैसे log टेबल को हम आसानी से देख सकते हैं, और कोई भी log का क्वेश्चन दे दो हम सॉल्व कर सकते हैं, आप भी सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ा बात नहीं है।
तो आपको उसको समझना होगा कि कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे कुछ डाटा को यूज करके हम किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। 2 × 10⁻³ है, तो इसका हम लॉग का वैल्यू कैसे निकालेंगे? एक तो पहले फार्मूला जो है उसके अनुसार चलेंगे, दूसरा क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था 2 × 10⁻³। अब इस केस में क्या करेंगे, 3 log 2 इसको करेंगे और इसका जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा इसका वैल्यू। तो इस तरह से आप करके आप यूज कर सकते हो लॉग का कुछ बेसिक फार्मूला, जैसे log a into b इक्वल टू क्या लिखेंगे, log a + log b, यही लिखते हैं ना, log a + log b। ये मैथ का चीज़ है लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए। उसके बाद log a^n है, इसको क्या लिखेंगे, n log a। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करते हैं। अब ये मतलब है, छोटा छोटा कैलकुलेशन तो आपको आना ही चाहिए, 10 तक आप पढ़ के आए हो तो मतलब कुछ कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो। जैसे एक और रिलेशन है ln x = क्या होता है, 2.303 log 10x, ये होता है एक रिलेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब हम बात करते हैं, आपके पास क्या दिया हुआ है, POH निकालना है और OH- का कंसंट्रेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे OH- का कंसंट्रेशन दिया हुआ है 4 × 10⁻⁵। डायरेक्टली आप बताओ 5 − log 4 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, log 4। अच्छा log 4 को हम क्या लिख सकते हैं, log 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। अच्छा इसको क्या लिखेंगे, 2 log 2। अब log 2 का वैल्यू आपको याद होना चाहिए या फिर देखना आना चाहिए, log टेबल नहीं दिया जाता है और नीट के एग्जामिनेशन या जेईई मेन के एग्जामिनेशन में आप log 2 का वैल्यू माना जाता है कि आप याद करके ही रखे होंगे। तो इस तरह कर करके आप कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हो। अब इसके लिए log का कुछ वैल्यू है जिसको, ये क्वेश्चंस को आप यहाँ पे सॉल्व कर लेना, हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं ताकि आप करो। अब यहाँ पे इसलिए हम पेंडिंग छोड़ रहे हैं कि आपको कैलकुलेट करना है। अब हम बात कर रहे हैं log 2 का वैल्यू कितना होता है, log 2 का वैल्यू आप याद रखो, log 3 का वैल्यू आप याद रखो, log 4 का वैल्यू याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, log 5 का वैल्यू आप याद रखो 0.69 होता है, log 2 का वैल्यू 0.30, log 4 का वैल्यू क्या होता है 0.60, log 3 का वैल्यू 4.7 का वैल्यू होता है 0.47, log 4 का होता है 0.60, log 5 का 0.69, log 6 का 0.78 और log 7 का 0.84। log 8 के आप निकाल सकते हो, क्या लिख सकते हैं इसको, 2 के पावर 3, तो इसको लिखेंगे 3 log 2, तो इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है। उसी तरह log 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो इसको हम log लिखेंगे 3 × 3 का स्क्वायर, तो इसका वैल्यू कितना आएगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर करके, इस तरह से कर करके आप फिजिकल केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और कुछ और